कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, वो कभी भी किसी से भी हो सकता है। वो जाति धर्म नहीं देखता, नहीं अमीरी गरीबी, वो तो बस हो जाता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि बिना एक दूसरे को देखे, बिना एक दूसरे से मिले भी बे इंतहा प्यार हो सकता है, तो आप कहेंगे कि क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो। जरा रुकिए जनाब, ऐसा मुमकिन है? और इस बात की तस्दीक करती है साल 1999 में आई फिल्म सिर्फ तुम। नरसिम्हा इंटरप्राइजेस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था बोनी कपूर ने तथा इसके निर्देशक थे अगत्यन। फिल्म की कहानी और पटकथा लिखी थी स्वयं अगत्यन ने तथा संवाद लिखे थे अनीस बज्मी ने। तकरीबन 2 घंटे 45 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 4 जुलाई 1999 को तथा इसके प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन, सलमान खान, जैकी श्रॉफ, मोहनीश बहल, जॉनी लीवर, कादर खान, तेज सप्रू, शगुफ्ता अली, दीपशिखा नागपाल, गुरदास मान आदि। फिल्म सिर्फ तुम की लोकप्रियता में इसके गीत संगीत ने भी अहम भूमिका निभाई थी, जिनके बोल लिखे थे समीर ने तथा धुन तैयार किया था नदीम सरवण ने। फिल्म के ऑडियो एल्बम में कुल 9 गाने रखे गए थे, जिनके बोल हैं, देखो जरा कैसे बलखा के चली है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, एक मुलाकात जरूरी है सनम के दो वर्जन, पंछी सुर में गाते हैं, दिलबर दिलबर, ऊपर वाला अपने साथ है, और फिल्म के शीर्षक गीत सिर्फ तुम के दो वर्जन। इन बेहद ही लोकप्रिय गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी हरिहरन, कुमार सानू, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, जसपिंदर नरूला, अमीन साबरी, फरीद साबरी और गुरदास मान ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म सिर्फ तुम साल 1999 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 33वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 3 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 5,84,00,000 रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सेमी हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म हम साथ साथ है, जिसने 39,17,00,000 रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म बीवी नंबर 1, जिसने 25,58,00,000 रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म हम दिल दे चुके सनम, जिसने 24,76,00,000 रुपए कमाए और यह हिट करार दी गई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म सिर्फ तुम साल 1996 में आई तमिल फिल्म कादल कोट्टई की ऑफिशियल रीमेक थी, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अजीत कुमार और देवयानी। कादल कोट्टई नामक इस फिल्म को भी सिर्फ तुम के ही लेखक निर्देशक अगत्यन ने लिखा व निर्देशित किया था। हाँ, यहाँ एक बात यह अलग रही कि जब फिल्म के हिंदी संवाद लिखने की बारी आई तो उसकी जिम्मेवारी जाने माने फिल्म निर्देशक व लेखक अनीस बज्मी ने उठाई, जो कि उस वक्त तक बतौर लेखक निर्देशक साल 1995 की हलचल और 1998 की प्यार तो होना ही था सरीखी दो लोकप्रिय फिल्में बना चुके थे। फैक्ट नंबर 3, निर्माता बोनी कपूर के साथ ये बात जुड़ी हुई है कि जब भी उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगती है तो वो दक्षिण भारतीय फिल्मों के रीमेक का सहारा लेते हैं। शुरू करें 80 के दशक से तो उस वक्त लगातार फिल्मों के फ्लॉप होने के कारण इन पर 19,00,000 रुपयों का कर्ज चढ़ गया था। ऐसे में उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों के रीमेक हम 5 और वो 7 दिन बनाए और अपना कर्ज उतारा। आगे 90 के दशक में भी रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम जैसी डिजास्टर फिल्मों से कपूर खानदान दिवालिया होने के कगार पर आ गया। तब एक बार फिर बोनी कपूर ने दक्षिण भारतीय फिल्मों के रीमेक का सहारा लिया और एक के बाद एक लोफर, जुदाई, सिर्फ तुम, हमारा दिल आपके पास है जैसी दक्षिण भारतीय फिल्मों के रीमेक बनाए, जो सफल भी रही और इनकी सफलता ने बोनी कपूर को एक बार फिर से कर्ज मुक्त करवाया। फैक्ट नंबर 4, सलमान खान ने फिल्म में एक मेहमान भूमिका निभाई थी, जिसमें उनके किरदार का नाम प्रेम था। साल 1999 की कुल 3 फिल्मों में सलमान खान ने प्रेम नाम के किरदार निभाए। ये फिल्में थीं सिर्फ तुम, बीवी नंबर 1 और हम साथ साथ हैं। मूल तमिल फिल्म में सलमान खान वाले किरदार का नाम जीवा था, लेकिन निर्देशक को लगा कि जीवा नाम सलमान खान की पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं होगा, अतः इस किरदार का नाम प्रेम रखा गया, जो उस समय सलमान खान का लगभग दूसरा नाम ही बन गया था। फैक्ट नंबर 5, अभिनेत्री प्रिया गिल की कैरियर की ये तीसरी हिंदी फिल्म और बतौर हीरोइन आखिरी हिट फिल्म भी रही। भले ही अगले साल उन्होंने फिल्म जोश में काम किया, जो ठीक ठाक चली भी, लेकिन उस फिल्म
की प्रमुख नायिका ऐश्वर्या राय थी। यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि सिर्फ तुम में प्रिया गिल सलमान खान के साथ एक दृश्य में नजर आई, वहीं अगले साल जोश फिल्म में उन्होंने शाहरुख खान के अपोजिट काम किया, पर आमिर खान के साथ वो काम नहीं कर पाई, जिसके कारण प्रिया गिल का तीनों खानों के साथ काम करने का सपना अधूरा रह गया। फैक्ट नंबर 6, फिल्म सिर्फ तुम की सफलता से सबसे अधिक फायदा अभिनेत्री सुष्मिता सेन को हुआ। इस फिल्म से पहले उनकी पिछली दो फिल्में दस्तक और जोर पिट गई थी और उनके अभिनय की भी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन 1999 में आई सिर्फ तुम और बीवी नंबर 1 से न सिर्फ उनको व्यावसायिक सफलता मिली बल्कि इन दोनों फिल्मों के लिए उन्हें सहायक अभिनेत्री का नामांकन भी मिला, जिनमें से बीवी नंबर 1 के लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता। फैक्ट नंबर 9, साल 1995 में प्रेम फिल्म से डेब्यू करने के बाद संजय कपूर ने उसी साल राजा और कर्तव्य सरीखी दो यादगार फिल्में तो दी, लेकिन आगे आने वाले साल उनके लिए चुनौतियों से भरे रहे। इस दौरान उन्होंने मोहब्बत, औजार, जमीर और मेरे सपनों की रानी सरीखी फिल्में तो अवश्य की, लेकिन इन फिल्मों को दर्शकों का उतना प्यार हासिल नहीं हुआ जितना की उम्मीद थी। इन सब का नकारात्मक प्रभाव संजय के कैरियर पर पड़ा और फिल्मकार उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से कतराने लगे। ऐसे में उनके कैरियर को संवारने के लिए आगे आए उनके बड़े भाई बोनी कपूर, जो कि उस वक्त स्वयं भी आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। खैर, संजय ने सोच लिया कि अगर यह फिल्म भी अच्छा नहीं कर पाई तो वो अभिनय से संन्यास ले लेंगे और फिल्म निर्माण में कदम रखेंगे, लेकिन उनके उम्मीद के विपरीत फिल्म ने बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक व्यवसाय किया और इसी के बदौलत उनकी अगली फिल्म छुपा रुस्तम को भी लोगों ने हाथों हाथ लिया। फैक्ट नंबर 8, फिल्म सिर्फ तुम के निर्माण के दौरान जब सलमान खान अपनी मेहमान भूमिका की शूटिंग कर रहे थे तो संजय कपूर ने उनसे कहा कि अगर ये फिल्म फ्लॉप रहती है तो मैं एक्टिंग छोड़कर प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। ऐसे में सलमान खान ने मजाक करते हुए कहा कि संजय, तुम प्रोड्यूसर बनने की तैयारी शुरू कर दो क्योंकि यह फिल्म पिटने वाली है, और हाँ, अगर तुम मुझे इस वक्त साइन कर लेते हो तो मैं कम पैसे में तैयार हो जाऊंगा और तुम्हें मेरे डेट्स भी एडवांस में मिल जाएंगे। संजय को सलमान खान की बात बुरी तो अवश्य लगी, लेकिन उन्होंने भी मजाकिया लहजे में कहा कि अगर फिल्म हिट हो गई तो मैं तुम्हारे डेट्स तुम्ही को फेंक कर मारूंगा। फैक्ट नंबर 9, जैसा कि हमने आपको बताया है, सिर्फ तुम साल 1996 की तमिल फिल्म कादल कुट्टई की ऑफिशियल रीमेक थी, लेकिन यहाँ आपको यह जानकर भी हैरानी हो सकती है कि सिर्फ तुम से एक साल पहले साल 1998 में इसे बांग्ला भाषा में भी रीमेक किया गया था। इस बांग्ला फिल्म का नाम था होटत बृष्टि, जिसे संयुक्त रूप से भारत की फिल्म निर्माण कंपनी ग्रामको फिल्म्स और बांग्लादेश की फिल्म निर्माण कंपनी आशीर्वाद चलचित्र ने बनाया। बताता चलूं कि इस फिल्म को निर्देशित किया था मशहूर फिल्मकार बासु चटर्जी ने। फैक्ट नंबर 10, फिल्म सिर्फ तुम की सफलता में इसके गीत संगीत का भी बड़ा हाथ रहा। इस फिल्म का एल्बम साल 1999 का 9वां सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम साबित हुआ, जिसकी लगभग 22 लाख कॉपियां बिकी थी। इसका संगीत आज भी लोगों के जुबां पर गाहे बगाहे आ ही जाते हैं। अभी हाल ही में जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते में इसके गीत दिलबर दिलबर को रिक्रिएट किया गया, जिसमें नोरा फतेही ने कमाल की प्रस्तुति दी थी। फैक्ट नंबर 11, अपने पूरे करियर में अक्सर विलेन और पुलिस वाले की भूमिका निभाने वाले तेज सपरू ने विरले ही सिर्फ तुम जैसी किसी फिल्म में काम किया हो जिसमें वो सकारात्मक भूमिका में हो और उन पर एक भी एक्शन सीन फिल्माया नहीं गया हो। गौरतलब है कि फिल्म सिर्फ तुम में तेज सपरू जैसे विलेन और जॉनी लीवर जैसे कॉमेडियन भी इमोशनल सीन करते नजर आए थे। फैक्ट नंबर 12, प्रेम कहानी पर आधारित किसी फिल्म को सफल बनाने के लिए उसका संगीत और शूटिंग लोकेशन बेहतरीन होना चाहिए। इन दोनों ही बातों का ध्यान बोनी कपूर ने बखूबी रखा और फिल्म का संगीत तो जबरदस्त था ही, लेकिन इसके शूटिंग लोकेशन में भी कोई कोताही नहीं बरती गई। फिल्म के एक एक दृश्य आंखों को सुकून देते हैं, जिनकी शूटिंग केरल, नैनीताल, दिल्ली और अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में हुई थी। फैक्ट नंबर 13, यद्यपि इस फिल्म का संगीत नदीम सरवन ने तैयार किया था, लेकिन फिल्म के ऑडियो कैसेट्स में टी सीरीज ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया क्योंकि इनमें से नदीम सैफी पर गुलशन कुमार की हत्या में शामिल होने के आरोप थे। फैक्ट नंबर 14, हर फिल्म की कहानी का कोई न कोई प्रेरणा स्रोत रहता है और यह बात सिर्फ तुम के ओरिजिनल फिल्म कादल कोट्टई पर भी लागू होता है। दरअसल इस फिल्म के लेखक निर्देशक अगत्यन को इसे लिखने की प्रेरणा पुरान नूरू नामक एक तमिल काव्य संग्रह से मिला था।
था, जिसमें कोपरन चोला नामक एक राजा और पिसरन तियार नामक एक कवि की दोस्ती का जिक्र था। ये दोनों आपस में कभी भी नहीं मिले, लेकिन पत्रों के जरिए जीवन भर एक दूसरे के दोस्त बने रहे। फैक्ट नंबर 15। इस फिल्म को लोकप्रिय बनाने में बोनी कपूर कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए न केवल उन्होंने इसमें जैकी श्रॉफ और सलमान खान को मेहमान भूमिकाओं में लिया, बल्कि उस दौर के मशहूर पंजाबी गायक गुरदास मान को भी फिल्म के एक गीत देखो जरा कैसे बलखा के चली है को गाने और उसमें परफॉर्म करने के लिए मनाया, जिसमें उनके साथ दीपशिखा नागपाल भी नजर आईं, जो उन दिनों ठीक वैसे ही लोकप्रिय थीं जैसे कि आजकल नोरा फतेही हैं। तो ये थी साल 1999 में आई बेहद लोकप्रिय रोमांटिक फिल्म सिर्फ तुम पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।